महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के रूप में बीडीडी चौल रीडेवलपमेंट स्कीम के तहत पुलिस कर्मियों को मकानों का मालिकाना हक महज 15 लाख रुपए में देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने कहा कि पिछले सप्ताह विधानमंडल की घोषणा की गई और आवास विभाग ने मंगलवार को इस आराय के विस्तृत आदेश जारी किए। बीडीडी चौलों में रहने वाले सभी पुलिस कर्मी कार्यरत या सेवानिवृत्त या मृतक के परिवार और कानूनी उत्तराधिकारी है 15 लाख रुपए की निर्माण लागत पर स्वामित्व के आधार पर 500 वर्ग फुट के घर पाने के लिए पात्र होंगे। पुलिस कर्मी वर्ली नायगांव और एनएम जोशी मार्ग में शताब्दी पुराने ब्रिटिश विकास विभाग के चाल परिसरों में रह रहे हैं। एमएचडीओ को नुकसान होगा क्योंकि घरों के साथ ही कुछ स्थायी स्वामित्व के आधार पर पुलिस कर्मियों को दिया जाएगा। राज्य सरकार नुकसान का 70% वहन करेगी और एमएचडीए इस योजना के लिए शेष राशि को कल्याणकारी उपाय के रूप में वर्णित करेगी। पुलिस कर्मियों के लिए आवास समस्याओं को कम करने के लिए अगस्त 2021 में उद्धव ठाकरे ने नेतृत्व वाली शिवसेना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी कांग्रेस की कालीन महाविकास अघाड़ी सरकार ने बहुत विलंबित बीडी चौल पूर्ण विकास परियोजना शुरू की थी। एशिया में अपनी तरह की विकास परियोजना पर लगभग 20,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। एमवे ने 207 सदी पुरानी इमारतों को तोड़ना शुरू किया था, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं के साथ 32 स्वैंक टावर 17,000 परिवारों को स्थानांतरित और रहने के लिए आएंगे। पूर्ण विकास परियोजना टाटा एलएनडीटी और शापुरजी पल्लौंजी समूहों द्वारा निष्पादित की जा रही है, जिसमें 40 मंजिला और 22 मंजिला इमारत शामिल है। क्या आपको कोई भी समस्या है? आपराधिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सरकारी अत्याचार जैसी कोई समस्या, या आपका कहीं पैसा फंसा है? अगर आपके पास ऐसी कोई भी समस्या है तो हम आपको एक सोशल वर्कर ग्रुप के बारे में बता रहे हैं जो आपकी ऐसी परेशानियों को दूर करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, हम आपको इसी चीज के बारे में बता रहे हैं। आइए इसके बारे में और जानते हैं। न्यायिक समस्या सभी आपराधिक, राजनीतिक, कानूनी तथा सरकारी अत्याचार और अन्यायिक समस्या की तकरार करें, आपकी फंसी रकम वापस मिलेगी। ऑल डिस्प्यूट्स ऑल केसेस। कॉन्टैक्ट नंबर 2888882288882 7038888703। ईमेल आईडी badebhaiindia@gmail.com। अगर आपको ऐसी कोई भी समस्या है तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हमारे इसके समाचार यहीं पे खत्म होते हैं। आपसे मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो में। तब तक लिए सदैव सुरक्षित रहिए। हिंद।